अपनी आने वाली XUV 200 जो कि महिंद्रा का पहला प्रोडक्शन है जो कि माइक्रो SUV अंदाज के साथ भारत में एंट्री लेने वाली है, जिसके लिए भारत के ग्राहक बेसब्री से इस कार का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ खास इस कार के अंदर होने वाला है। दरअसल लॉन्चिंग से पहले ही इस कार की खूबियां चर्चाओं में चल रही है। हालांकि आज भी विशेषताओं इस कार की काफी ज्यादा भारत में देखी जाती है। इस सब कॉम्पैक्ट SUV के शुरुआती एक्सशोरूम की मार्केट में काफी ज्यादा इस कार को खास बनाती है। यानी इस कार का सबसे बड़ा कारण भारत में इस कार का प्राइस रेंज होने वाला है। महिंद्रा मोटर्स अपनी जबरदस्त कारों जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ डिजाइन करती है, जिसके कारण इन कारों की कीमतें भी भारत में आसमान में छूती है। मगर फाइनली मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा मोटर्स ने अपनी माइक्रो SUV सेगमेंट में कदम को बढ़ाते हुए XUV 200 को भारत में एक रीजनेबल प्राइस रेंज के चलते लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यानी आने वाली XUV 200 की अगर कीमत की बात कर ली जाए तो पहले ही आपको वीडियो स्टार्ट से पहले रिवील कर दिया जाए, मार्केट में आने वाली XUV 200 की कीमत 2.30 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस होने वाली है। मेरे ख्याल से इतने कम बजट में आप सभी को कोई मार्केट में हैचबैक कार भी देखने को नहीं मिलती है। अब दरअसल जान लेते हैं कि 2.30 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस इस कार की कैसे होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर ली जाए महिंद्रा मोटर्स का पहला माइक्रो SUV प्रोडक्शन XUV 200 के इंजन तथा पावर की बात, जो कि आप सभी के मन में आ रही है कि आखिरकार इस जबरदस्त रीजनेबल प्राइस रेंज वाली कार के अंदर कौन से इंजन का इस्तेमाल महिंद्रा मोटर्स ने हमारे लिए किया है, या फिर ये कार जबरदस्त इंजन ऑप्शन के साथ भारत में एंट्री लेगी। तो आने वाली XUV 200 में नई पीढ़ी का आपको एक इंजन ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि महिंद्रा मोटर्स ने अपनी XUV 700 से लेकर स्कॉर्पियो क्लासिक और एन जैसे वेरिएंट में इस कार के बड़े वेरिएंट को इंजन के संचालित के साथ लाया है। यानी कार में आप सभी को इसी का छोटा वेरिएंट 1.2 लीटर का टर्बोटॉन BS6 अपडेट फोर सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस दिखाई देने वाला है। यानी पहली माइक्रो SUV कार जो कि 4 सिलेंडर द्वारा संचालित करते हुए भारत के सड़कों पे आने वाली है। ये इंजन भारत के सड़कों पे करीबन आप सभी को आपके माइंड से भी ज्यादा यानी 85 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 113 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। आने वाली XUV 200 के अंदर 5 स्पीड AMT और 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन दिखाई देने वाले है। अगर माइलेज की बात करी जाए तो भारत के सड़कों पर यह कार जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी देने वाली है, क्योंकि महिंद्रा मोटर्स ने अपने इस जबरदस्त इंजन को फ्यूल एफिशिएंट के साथ तैयार किया है। यानी भारत के बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देते हुए आने वाली XUV 200 प्रति लीटर में आप सभी को 28 से लेकर 27 तक का माइलेज दे सकती है, जो कि अपने सेगमेंट के हिसाब से फिट बैठने वाला माइलेज इस कार के लिए बताया जा रहा है। लुक तथा डिजाइन की बात आती है तो महिंद्रा मोटर्स अपने जबरदस्त प्रोडक्शन को खास ही भारत के लिए बनाती है। लुक से लेकर हर चीज के मामले में महिंद्रा मोटर्स की कारें भारत में अव्वल की रैंकिंग भी लेती है। यही कारण है कि इन जबरदस्त कारों को बिल्ड क्वालिटी के साथ ही साथ भारत के माइंड को सेट करते हुए डिजाइन किया जाता है। यानी जैसा आप चाहते हैं वैसी आप सभी को ये कार डिजाइन के तौर डिजाइन करते हुए मिल जाती है। भारत में महिंद्रा मोटर्स अपनी जबरदस्त कारों को एक यूनिक डिजाइन देने की कोशिश करती है, जिसके चलते बढ़ते कंपटीशन को चुनौती देते हुए महिंद्रा मोटर्स ने अपने माइक्रो SUV सेगमेंट वाली छोटी कार को भारत के लिए उन मिडिल क्लास लोगों के लिए डिजाइन किया है, जो कि आज के टाइम में 5 लाख रुपए से भी कम कीमत में एक कार खरीदना चाहते हैं। लुक से लेकर हर चीज के मामले में आने वाली XUV 200 आपके दिलों पर लाज करने वाली है। तो चलिए बात कर ली जाए महिंद्रा की XUV 200 के एक्सटीरियर के बारे में। तो एक्सटीरियर में साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं कि कार को कितना एग्रेसिव और एक बोल्ड लुक दिया गया है। भारत में आने वाली XUV 200 4x2 कैटेगरी की माइक्रो SUV कार होने वाली है, जो कि टाटा पंच के मुकाबले थोड़े से बड़े डिजाइन के साथ आपको लग सकती है। भारत में XUV 200 को पूरे तरीके से अपडेट किया गया है। साथ ही साथ इस कार के फ्रंट में आप सभी को LED डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप आउटपुट देखने को मिलता है। बीच में आपको 89 न्यू अपडेट देखने को मिलती है, जो कि आपको नई स्कॉर्पियो N की याद इस कार में दिलाती है, जो कि कार को काफी एग्रेसिव भारत में बना रही है। बीच में आप सभी को महिंद्रा का बिल्कुल नया लोगो भी दिखाई देता है। साथ ही साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के साथ रेन सेंसर वाइपिंग सिस्टम के साथ पेडल लैंप्स और ग्लोव बॉक्स के साथ ही रियर पार्किंग विंड अपडेट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से लेकर आपको पावर फोल्डेबल
ओरियम्स भी देखने को कार में मिलते हैं। ओवरऑल लुक पे हमारी XUV200 वाकई में ही भारत में काफी बोल्ड और एक यूनिक नजर लुक के साथ आ रही है। बम्पर को देखा जाए तो स्पोर्टी डिजाइन इस कार को दिया गया है, जो कि अपने सेगमेंट से दर्शाता है कि ये कार काफी जबरदस्त है। साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो XUV200 भारत में 17 इंच के अपडेट टायर के साथ आती है, जिसमें कंपनी फिटेड अलॉय व्हील आपको सभी वेरिएंट्स में दिखाई देते हैं। यानी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कंपैरिजन कारों में आने वाली महिंद्रा XUV200 के टायर साइज फुल साइज एसयूवी से थोड़े ही इंच में कम रखे गए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, जिसके चलते इस कार को ऊंचा बूट स्पेस के साथ एक ग्राउंड क्लीयरेंस भी हाई मिलता है, जिसके चलते भारत की सड़कों पे आप सभी को कम झटके इस कार में मिलते हैं। है ना कमाल की बात। डायमेंशन की बात करें तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये कार भारत में हमारे लिए बिल्कुल फिट बैठने वाली कार होने वाली है? क्या इस कार में 5 लोग आसानी से बैठ के सफर कर सकते हैं? जी हाँ, आप लोगों के लिए ये कार बिल्कुल फिट बैठने वाली है। जहाँ तक इस एसयूवी की साइज की बात करी जाए तो इसकी लंबाई भारत के लिए 3827 mm, चौड़ाई की बात करें तो 1744 mm, ऊंचाई की बात करें तो 1615 mm, और इस कार में आपको 2445 mm का व्हील बेस दिखाई देने वाला है। इस एसयूवी में आपको कंपनी की तरफ से 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलता है, जिसके कारण भारत के तंग रस्तों पर ये कार आप सभी के लिए थपाथप दौड़ने वाली है। आने वाली XUV200 के इंटीरियर की बात करी जाए तो जी हाँ, डैशबोर्ड को ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ इतना खूबसूरत टचअप दिया गया है, जो कि याद आपको दिलाता है कि आप एक प्रीमियम फील वाली कार में बैठ के सफर कर रहे हैं। दोनों साइड आप सभी को नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन जो कि इस कार में ऐड किया गया है। साथ ही साथ 40 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स भी इस कार में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके नीड के द्वारा काम करने वाले हैं। और साथ ही साथ सेंट्री कंसोल की शान बढ़ाने वाला सेगमेंट का 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम, वॉइस कमांड रिकॉग्निशन सिस्टम को भी एक्सेस कर पाना बिल्कुल इजीली होने वाला है। यानी बैठने के बाद आप अपने वॉइस कमांड से ही काफी सारे 40 से ज्यादा फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से इस कार में एक्सपीरियंस आप सभी के लिए बिल्कुल नया होने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की बात आती है तो आप सभी को बता दें कि भारतीय बाजार महिंद्रा मोटर्स सबसे सेफ कार बनाने के लिए जानी जाती है, और साथ ही साथ महिंद्रा मोटर्स की भारत में पहले से मौजूद कई कार ऐसी है जिनको भारत में पूरे 5 से ज्यादा की सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। यही से अंदाजा लग जाता है कि XUV200 को भी कितने हाई अपडेट सिस्टम के साथ सेफ्टी फीचर्स में अपडेट किया गया है। इस कार को भारतीय बाजार में ग्लोबल NCAP क्रेशिस मानकों के तहत पूरे 5 की रेटिंग दी गई। 6 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, ABD टेक्नोलॉजी के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे के साथ सेफ्टी फीचर्स के मामले में ये कार भारत में काफी जबरदस्त होने वाली। भारत में आने वाली XUV200 को भारतीय बाजार में 31 अक्टूबर तक लॉन्च करने का पैमाना बताया जा रहा है, और अगले हफ्ते से इस कार की प्री बुकिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो देरी किस बात की भाई, अगर आप इस कार को घर बैठे बुक करना चाहते हैं और नहीं लाइन में लगना चाहते हैं तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट कर दीजिए। वीडियो बनाने में लगता है काफी टाइम, तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू अपडेट्स कारों के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।